encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. Don't stop. रुकिए मत. Rise up. उठ जाइए. Write another song. दूसरे गाना गाइए. Do something big for God. परमेश्वर के और कुछ बड़ा कीजिए. The stones that they throw at you to wound you, take those stones and build a monument for God. वो पत्थर जो आप पर फेंके गए उसी को लेकर परमेश्वर के लिए भवन बनाएं. Your relatives may wound you. आपके रिश्तेदार आपको चोट पहुंचाते होंगे. चिंता मत. Your neighbors may say all sorts of nonsense against you. आपके पड़ोसी आपके खिलाफ सब बेवकूफ की बातें करते होंगे. आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. That same people will one day ask you, where are you going? How were you blessed? और वही लोग आपसे पूछेंगे तुम कहाँ पर जा रहे हो? आपको आशीष कैसे मिली? You accepted Jesus. जब आपने परमेश्वर का ग्रहण किया. Your own people will become your enemies. आपके खुद के लोग आपके शत्रु बन जाते हैं. Don't worry about the people outside the church. कलीसिया के बाहर के लोगों के बारे में चिंता मत कीजिए. We need to be careful of the Pharisees and Sadducees in the church. और जब कलीसिया में फरीसी और सदूसी हैं, उनके उनसे हमें सावधान रहना है. The people who are outside are our friends. जो बाहर के लोग हैं, वो हमारे दोस्त हैं. The Bible says, God so loved the world. बाइबल कहती है परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया. God still loves the world. परमेश्वर अब भी संसार से प्रेम करता है. The fellow who's drunk on the road, he may be a preacher, he may be a prophet, he may be an apostle. Somebody shout hallelujah. वो चिल्लाए हालेलुया. हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम लोग भी वैसे ही थे. चर्च में क्या आते हैं, दो तीन बाइबल, हिब्रू हिब्रू हिब्रू. अरे मेरा बाप हिब्रू नहीं था, मेरा बाप बेचारा मैंगलोरिन है. हिब्रू हिब्रू मत कर, हिब्रू वचन कहता है. अरे बाबा, ए जो स्त्री पकड़ी गई, यीशु भी वचन जानता था. बोले हम वचन जानते हैं, उसको पत्थर मारने नहीं दिया. Even Jesus knew the word, he didn't allow her to be stoned. Please understand one thing, I want to tell the एक बात को समझ लीजिए, मैं कलीसिया से कहना चाहता हूं. Never speak against men of God. कभी भी परमेश्वर के जन के खिलाफ मत बोलिए. Never speak against women of God. कभी भी परमेश्वर के महिला के खिलाफ मत बोलिए. Never speak against any church. किसी भी कलीसिया के खिलाफ मत बोलिए. The Bible says each servant is responsible and rises before its own master. और बाइबल कहती है कि जो हर एक सेवक है वो अपने खुद के स्वामी के सामने खड़ा हो जाता है. No man is perfect. और कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है. Please understand. समझ लीजिए. That's the gospel of grace. और यही अनुग्रह का सुसमाचार. Don't waste your time pulling down this one, pulling down that one. You see. इसको या उसको नीचे खींचकर अपने समय को व्यर्थ न कीजिए. So I want to encourage you. आपको उत्साहित करना चाहता हूँ. If people have been criticizing you, people have been maligning you, I want to tell you something. अगर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आप पर दोष लगा रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. Bring your wounds to Jesus. आपके घाव को यीशु के पास लेकर आइए. The Lord will heal you. परमेश्वर आपको चंगा करेगा. And something big the Lord will do through you. और कुछ बड़ा परमेश्वर आपके जरिए करेगा. Lift your hands and celebrate somebody. Hallelujah. अगर कोई उत्सव मनाइए. It could be your in-laws. It could be your loved ones. Your close ones. आपके करीबी लोग होंगे. Look at what Jesus said. देखो यीशु ने क्या कहा. Go to Luke 22 right now. और लूक का 22 अध्याय में हम जाएंगे. And verse 31. और 31 वचन. The Lord said, Simon, Simon. और परमेश्वर कहता है, शिमोन, शिमोन. Indeed, Satan, the enemy, has asked for you that he may sift you as wheat. He may wound you. He may crush you. कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की नाई तुम्हें फटके, तुम्हें घाव दे. When the wheat goes, it is crushed. और जब वो गेहूं जाता है, उसे ऐसा पीसा जाता है. That's how it becomes flour. और ऐसे वो आटा बन जाता है. And what Jesus was telling Peter, Simon Peter is saying, Satan had asked you to crush you, to wound you to the point you'll never rise. और शैतान शिमोन से यीशु कह रहा है कि शैतान ने तुम्हें इतना घाव देगा कि तुम कभी फिर से उठ नहीं पाओगे. But he says, don't worry. लेकिन कहता है कि चिंता मत करो. I've prayed for you. मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है. That's not only for Simon Peter. वो सिर्फ शिमोन पत्रस के लिए नहीं है. Even today. ले आज भी Jesus is saying same thing to you. यीशु यही बात आपसे कह रहा है. Don't worry. कह रहा है चिंता मत कीजिए. Before the throne of the Father, I'm still praying for you. पिता के सिंहासन के सामने मैं आप You will do great things for God. तुम परमेश्वर के लिए महान चीजें करोगे. Lift your hands, hallelujah. हाथ उठाइए. You know why? क्यों जानते हो क्यों? Because Jesus is still interceding before the throne. क्योंकि यीशु अब भी सिंहासन के सामने मध्यस्थी कर रहा है. You cannot fail. आप कभी असफल नहीं होंगे. Lift your hand and say, I cannot. उसे निकाल दिए बाहर. परमेश्वर ने उसी के लिए आपको बुलाया है. And I tell you, और आपसे कहना चाहता हूँ I'm proving it to you.
that yes, you will be what God has called you to be. और शास्त्र से आपको साबित करना चाहता हूँ कि आप वो बनोगे जो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है बनने के लिए. But I have prayed for you. वो कहता है लेकिन मैंने तुम्हारे लिए विनती की है. I don't know who's praying for me. मैं नहीं जानता मेरे लिए कौन प्रार्थना कर रहा है. Nowadays people don't pray. आजकल लोग प्रार्थना नहीं करते. You know you send them a prayer request. आप प्रार्थना करो उन्हें भेजते हैं. You know they have ready-made stuff now. They're roaming in the mall. वो मॉल में घूम रहे हैं. And they will send. Don't worry. और वो ऐसे भेजेंगे. चिंता मत करो मैं प्रार्थना. There's one more icon now. और एक आइकन आया है. I should tell the WhatsApp guys some kneeling down icon also you should like that. है क्या भाई kneeling down icon कुछ? भेजो request. Especially for Christians. Very few people pray. कोई भी प्रार्थना नहीं करता वो सिर्फ ऐसे आइकन्स भेजते बहुत ही कम लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं. I wonder if nowadays it's so easy to send prayer requests. और आजकल इतना आसान है प्रार्थना करो भेजना. In some WhatsApp groups there are thousands of people. One sends a message, you have to scroll like you know for one hour before you can see the message. और WhatsApp group में इतने सारे संदेश आते रहते हैं. नहीं संदेश नहीं पब्लिक है भाई. And I wonder if so much prayer. If people are saying that they really pray so much, then I think Mumbai should be saved 7 times in 1 week. और मैं सोचता कि अगर लोग इतना प्रार्थना करें तो मुंबई को एक हफ्ते में उद्धार पाना चाहिए. और हॉस्पिटल should be empty. और सारे अस्पताल खाली हो जाने चाहिए. Because so much people are praying, right? क्योंकि इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं. Cancer should be wiped off from India. और कैंसर को भारत से निकल जाना चाहिए. But no, sir. लेकिन नहीं. It doesn't happen like that. ऐसा नहीं होता. Sometimes people will tell you they are praying for you. कभी-कभी लोग आपसे कहेंगे कि वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Nobody prays. कोई भी प्रार्थना नहीं करता. But God will keep certain people in your life. लेकिन आपके जीवन में कुछ लोगों को परमेश्वर रखेगा. They'll pray for you. You know, many people they tell me, Pastor. बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, Pastor. घबराने का हम ही तुमसे पार्टी से आउट. चिंता मत कीजिए हम आपके पीछे हैं. पार्टी बगैर लोग कौनस नहीं. और पीछे देखने पर कोई भी नहीं होता. आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. उनके भरोसे आगे बढ़ता ना तो पिट जाता था. मौका आया तो कोई पीछे नहीं है. लेकिन पीछे देखा तो एक जन था उसका नाम था यीशु. वो प्रार्थना कर रहा था. आई चैलेंज यू गो अहेड माय ब्रदर गो अहेड माय सिस्टर डू दैट बिजनेस गो फॉर दैट कॉलेज गो फॉर दैट एडमिशन गो फॉर दैट यूनिवर्सिटी लिफ्ट योर हैंड एंड शाउट हालेलुया. हाथ उठाकर चिल्लाइए हालेलुया. ही इज फेथफुल. वो विश्वास योग्य है. जीसस इज फेथफुल. यीशु विश्वास योग्य है. डोंट से हुल हाउ कैन आई गो ही इज ऑन द ही इज नियर द थ्रोन. ऐसा मत कहिए मैं कैसे जाऊं मैं कैसे करूं. वो सिंहासन के सामने अपने घुटनों पर है. I want to encourage you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं. Jesus, you may be wounded. आप घावित होंगे. No problem. कोई बात नहीं. Jesus is praying for you. यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. You're a youngster listening to me. और आप जवान व्यक्ति होंगे जो मुझे सुन रहे हैं. Listen, I'm so wounded. I'm so rejected that I don't want to go to this classes. I don't want to go to this school. I don't want to go to this university, my friend. आप पर इतने घाव लगे होंगे. आप कह रहे हो मैं ये क्लासेस में ये इस कॉलेज में नहीं जाना चाहता लेकिन मेरे दोस्त. I have prayed, Jesus said, so that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. और यीशु उसे कहता है लेकिन मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास न रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों की स्थिर को स्थिर करना. The purpose of your wounds. आप जो उद्देश्य है. Only a wounded man. सिर्फ एक घावित व्यक्ति can recognize the pain of others. वो दूसरों के घाव को दर्द को पहचान सकता है. That's why I'm telling the businessman. इसलिए व्यवसायिक लोगों से कह रहा हूँ. Don't worry. What you call a setback is actually a setup for you to come back. चिंता मत कीजिए जो आपका पीछा जाना है लेकिन वो आपके लिए आगे जाने के लिए रास्ता है. You will be a mentor to many businessmen. आप बहुत सारे व्यवसायिक लोगों के लिए अगुवे बनेंगे. See what Jesus said, Peter. देखो यीशु ने कहा शिमोन. For a short time you will fail perhaps. कुछ समय के लिए तुम नाकामयाब हो जाओगे. But don't worry, I'm praying for you. लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए विनती कर रहा हूँ. And when you come back. और जब तुम लौटो. Don't live for yourself. अपने आप के लिए मत जियो. Strengthen your brethren. अपने भाइयों को स्थिर करो. The problem with us Christians is this. हमारे मसीहों के साथ ये समस्या है. This once we get our testimony. एक बार जब हमारी गवाही आती है. We only enjoying. हम सिर्फ आनंद मना रहे हैं. We enjoying the blessing. हम आशीष का आनंद मना रहे हैं. We never want to become a blessing. हम कभी आशीष बनना नहीं चाहते. You see how stereotyped, cliched we are. How are you doing? I'm blessed, really. You're blessed? आप आशीषित हो? I am blessed. Actually, you should say,
Now my new name is Blessing. Hallelujah. Can you see today that's the purpose of your wounds? See, the enemy tries to sift you and God uses his wounds so that you can be a blessing and strengthen somebody. आपका घाव का उद्देश्य यही है कि यीशु उस घाव का इस्तेमाल करता है ताकि आप किसी और को सामर्थ्यशाली बना सकें. Many great ministries were born out of a time of intense pain. और बहुत सारी जो महान सेवकाई है ऐसी दर्दनाक अवस्था से बाहर आकर वो बनी है. Look at Uncle D's Dinakaran. Uncle D's Dinakaran को हम देखते हैं. You know, ask a woman, ask a mother, what it means to lose your own child. और एक माँ से पूछे कि कैसा होता है जब आप अपने बच्चे को खो देते हैं. They saw their daughter crushed. उन्होंने देखा अपनी बेटी को नाश होते हुए. And they were gone through a season of pain. And he writes in one of his books, he says, when I was about to stand and preached to thousands, a voice came to me and said, what will you tell the people? वो एक ऐसे दर्द के दौर से गुजरे और वो कहते हैं कि एक जब मैं हजारों के सामने प्रचार करने वाला था एक आवाज आई तुम लोगों से क्या कहोगे and he said, और उसने कहा he says, thank God for the Holy Spirit. वो कहता है धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए he said, if with my wounds I can state that Jesus is still Lord, then so can you. वो कहता है कि अगर मेरे घाव के साथ मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर अब भी परमेश्वर है तो आप भी ऐसे कह सकते हो. फ्रेंड्स दोस्तों जीसस Yeshu allows those wounds. You see, Satan wants to sift you, crush you, finish you, but Jesus will allow it so that you see you will become a source of strength to your brethren. Yeshu us ghav ki anumati deta hai taki aap dusron ke liye samajhshali bano. Don't pull people down. Logo ko niche mat khichiye. They are wounded already. Wo pehle se ghavit hai. This world needs somebody to bring healing, bring soothing. How many of you understand right? Is sansar ko zarurat hai ki koi changai ko, koi tasalli ko lekar aaye. Can you strengthen your brethren? क्या आपके भाइयों को आप स्थिर करेंगे? Today, if you are saying yes to the Holy Spirit will empower you. Lift your hand and say, Lord, use me as a strengthener. Use me to strengthen somebody. अपने हाथ उठाकर कर परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर कि मैं दूसरों को स्थिर कर सकूं, दूसरों को सामर्थ्य दे सकूं. It's not about you, it's about Jesus. ये आपके बारे में नहीं, लेकिन यीशु के बारे में है. It's about the kingdom. ये राज्य के बारे में. Isaiah 53 verse 5. यशायाह 53 अध्याय में हम पांचवें वचन. But Jesus, speaking about Jesus, he says, but he was wounded. Why? For our transgressions. परंतु वो यानी कि यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया. He was not wounded for his transgressions. He was wounded for our transgressions. वो उसके खुद के अपराधों के लिए नहीं, लेकिन हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया. That means he was wounded for somebody else. इसका अर्थ ये है कि वो किसी और के लिए घायल किया गया. Could it be? हो सकता है. That you are going through something so that some others can be blessed also. हो सकता है किसी दर्द से आप गुजर रहे ताकि उसमें से दूसरे लोग भी आशीष. It's a setup. और ये जो एक सेटअप है. Why am I going through this? मैं इससे क्यों गुजर रहा हूँ? Satan tried to kill you. God is trying to resurrect you. शैतान ने कोशिश की आपको नाश करना, लेकिन यीशु कोशिश कर रहा है आपको पुनरुत्थान करने के लिए. Hallelujah. He was wounded. वो घायल हुआ. For what? For our transgressions. हमारे अपराधों के लिए. He was bruised. You see, not for his iniquities. और वो कुचला गया वो उसके अधर्म के कारण कामों see, के लिए नहीं. The wounds of Jesus have a purpose. और यीशु के जो घाव है उसके उद्देश्य है. Your wounds have a purpose. आपके घाव के उद्देश्य है. Your wounds have a purpose. आपके घाव के उद्देश्य है. Rise up, child of God. उठाइए परमेश्वर. You are going to do great things for God. आप परमेश्वर के लिए महान कार्य करने वाले. Your wounds have a purpose. आपके जो घाव है उनके एक उद्देश्य है. Now you may say, oh, what purpose can my wounds have? हो सकता है मेरे घाव, आप ऐसा कह रहे होगे कि मेरे घाव का क्या उद्देश्य होगा. Let's look at Jesus. हम यीशु को देखते हैं. See, Jesus was wounded. यीशु को घायल किया गया. Now, when he comes back again, और जब वो फिर से लौटता है, he's going to go to his own Jewish brethren. और वो खुद के यहूदी भाइयों के पास जाने वाला है. And he's going to show his wounds, his scars. और अपने घाव को वो दिखाने वाला है. And he said, "Look, guys." और कहने वाला है, देखो. And you see, thank God for miracles. धन्यवाद परमेश्वर के लिए आश्चर्य कर्म के लिए. Thank God for success. धन्यवाद परमेश्वर से को सफलता के लिए. But you see, the world honors a survivor. Come on, लेकिन आप देखते हैं कि जो The Jews are going to look at the wounds of Jesus and say, my God, this is the same guy who came. We are the ones who crucified him, and that's going to turn, and the whole Jews are going to repent. Hallelujah. और यहूदी यीशु के घाव को देखकर कहने वाले यही वो व्यक्ति है जिसे हमें घायल किया था और उसे देखकर वो सभी यीशु के पास मुड़ जाने वाले हैं. How many listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? Maybe you're going through cancer. They cut you up. They stitched you up. But you are still standing. You are still saying, Jesus is Lord. Hallelujah. कैंसर से गुजर रहे होंगे, लेकिन आप खड़े होकर कह रहे हो कि यीशु अब भी परमेश्वर. Nobody today believes in cheap talk. They say, forget it, man. I can talk better than you. But if you are wounded and if you can still stand, they will salute you and say, this is a testimony. लेकिन अगर आप घायल होकर भी खड़े होकर बात कर सकते हो तो वो कहेंगे
कि हाँ ये गवाही है. Yes. You will be a testimony. आप एक गवाही बनोगे. Why? क्यों? Because you carrying the wounds. क्योंकि आप उस घाव को लिए चल रहे हो. Jesus will show his wounds to his own brothers and say, "Look, I've been wounded in the house of my friends." और यीशु उस घाव को अपने दोस्तों को दिखा कर कहेगा कि मैं अपने दोस्तों के घर में घायल हुआ हूँ. Your wounds have a purpose. आपके जो घाव है उनके उद्देश्य है. Lift your hands and say, "My wounds have a purpose." अपने हाथ उठाकर कहें, "मेरे घाव के उद्देश्य है." Your wounds could be from anywhere. आपके घाव कहीं पर से भी हो सकते हैं. The source could be anything. उसका स्रोत कुछ भी हो सकता है. Satan wants to steal your joy, destroy your joy. शैतान आपके आनंद को नाश करना चाहता है. I'm hearing your name like Sharda, Sharda, Sharda. Quickly. Sharda. Sharda. If you're near Sharda, just come in front right now. अगर आपका नाम Sharda है तो जल्दी Sharda, Sharda. You both are Sharda. Yes, Pastor. आप दोनों Sharda हैं. Yes, yes. Who has a little daughter, like daughter? You have a daughter? Yes. The Lord is doing something big in your life today, Sharda, in Jesus' name. जीवन में कुछ बड़ा कर रहा है. Who is like? I see Karnataka. कर्नाटक को मैं देख रहा हूँ. Both are from Karnataka. Come in front. दोनों कर्नाटका से. I'm hearing Karnataka. Because I'm hearing Karnataka. Both are Karnataka. Yes. Oh wow. Are se kamara ba. Who is like Mangalore? Hallelujah. Mangalore kon hai? Wow, glory. Hallelujah. Sharda, when I'm seeing you, jab aapko dekh raha hu. Ti pratika sala madigla brahatala dalia zamara. I'm hearing like n. Namrata, my daughter's name is Namrata. Namrata, I'm hearing an n. Yes. The Lord is telling me to tell you. I'll give you direction. This sister's husband's name is Naveen. Naveen, and what you said, what daughter's name is? Namrata. You know, the Lord is telling me to tell you right now. परमेश्वर मुझसे कह रहा है आपको बताने के लिए. There's an issue that the Lord is healing in your relationships. आपके संबंधों में कुछ समस्या है जो परमेश्वर चंगा कर रहा है. This lady over here to my left right now. और जो मैं बारी और जो मैं लगा. When I see right now. जब मैं देख रहा हूँ इस समय. You know, God is telling me. परमेश्वर कह रहा है. That you are battling it out alone. कि alone. अकेले से लड़ रही हो. अकेले लड़ रही हो. क्या मैं पर बोलूँ? Yes, Pastor. Yes. Yes. Very true. Okay. Yes. You know, I see you alone. आपको अकेले देख रहा हूँ. Yes. Wherever you're going, I see you going alone. जहाँ पर भी आप जा रही हैं, अकेले जाते हुए मैं देख रहा हूँ. Because though you're wearing rings, yes. There is nobody with the ring man is not there. Yes. चाहे आप ring पहने हो, लेकिन कोई भी आपके साथ नहीं है. The Lord is telling me to tell you. परमेश्वर मुझसे कह रहा है आपको बताने के लिए. The Lord is healing your wounds today in Jesus' name. परमेश्वर आज आपके घाव को यीशु के नाम में चंगा कर रहा है. You will serve the Lord, Sharda. Your problem of your housing also will be sorted out. Because right now you have come to a situation where you are homeless. अभी आप ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पर आपका घर नहीं है. I tell you, my God is your father. Hallelujah. मेरा परमेश्वर आपका पिता है. I'm saving. Did you send me a prayer request? No, Pastor. Did you write on Facebook? No, Pastor. No. I am alone. I'm this, that. No. My God is a great God. Hallelujah. Amen. Yes. Pastor Michael, for 6 years, she's been having housing problems, and she's the only breadwinner in her house, raising her daughter. No, by she will herself. Win the cake also, not only the bread. Amen. Amen. I receive it. Lady, what I spoke about you is true? Yes, Pastor. You wrote it down and gave it to me before no, the service? No, I'm praying to preach the gospel in Bangalore where I'm going right now, maybe this Friday. You told me, right? No. Just outside? No. Pastor, I'm praying from just many months. Before entering the car? No, Pastor. Thank you. The Lord told me that the salvation of God is visiting your family today in Jesus' name. परमेश्वर मुझसे कहा कि परमेश्वर का उद्धार आप पर आ रहा है. Who is like another... Shetty. My surname is Shetty. Ah, the Lord is visiting your home. परमेश्वर आपके घर पर मुलाकात कर रहा है. The Lord is visiting your home. परमेश्वर आपके घर पर. Do you know anybody who stays in Khandavali? Yes. My brother and sister. Okay. About all the places in Bombay, Khandavali. Wow. The Lord is saying that because of your faith. Many people in your family will turn to the Lord because of you. आपके कारण, आपके विश्वास के कारण, आपके परिवार के बहुत सारे लोग परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे. Secondly, और दूसरी बात, you have an anointing for finances. और पैसों के लिए आप पर एक अभिषेक है. Who's receiving it? Receive it. कौन ग्रहण कर ले? प्राप्त कर लीजिए उसे. From today onwards, आज से, two things will happen. दो चीजें होंगी. First thing, पहली बात, the salvation like a wave of God, you will pull one, everyone. परमेश्वर की लहर के समान वो उद्धार आएगा. आप सभी को एक एक करके खींचे जाओगी. और दूसरी बात, both the Sharda
will serve the Lord. और दोनों शारदा परमेश्वर की सेवकाई करेंगे. So much so. और इतना. This woman will start preaching the gospel. कि ये महिला परमेश्वर का वचन प्रचार करने लगेगी. Because this woman prayer request is this that she will preach the gospel. क्योंकि इस महिला का प्रार्थना गरज ये है कि वो वचन का सुसमाचार प्रचार करे. I see the grace of God coming into your life. मैं देख रहा हूँ परमेश्वर के अभिषेक को आपके जीवन में आते हुए. Receive. प्राप्त कर लीजिए. I saw two people. दो लोगों को मैंने देखा. Speaking rot against you. आपके खिलाफ गलत बोलते हुए. The Lord will silence those people tonight. परमेश्वर आज रात उन लोगों को शांत करेगा. आज रात. Listen to me. सुनिए. These are demonic powers speaking against you. ये शैतानी सामर्थ्य जो आपके खिलाफ बोलती है. This is the fourth thing God showed me about. और ये चौथी बात परमेश्वर ने आपके बारे में दिखाया. शारदा शेट्टी. शारदा शेट्टी. Another thing I see, there's a big fence coming on that property. And that property being developed for the glory of God. और परमेश्वर के महिमा के लिए वो property develop हो रही है. It is happening today. ऐसा हो रहा है आज. In Jesus' name. यीशु के नाम में. In Jesus' name, you raise their poor and put them on the thrones. Amen. In Jesus' name, this woman doesn't have anything. इस महिला के पास कुछ भी नहीं है. In Jesus' name. Pastor, as you prophesied, her family is not in the Lord, so her family will get saved as you prophesied. That's okay. And also about the property development, her property talks are going on. This I'm hearing like a Neha, 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 Neha. Quickly come fast. I just want to pray. Neha, Neha. Neha, इस नाम को सुन रहा. Neha, Neha, Neha. Neha. No problem. 2 Neha, 3 Neha, 4 Neha, 5 Neha, 6 Neha. When I see Neha, I see like a P. जब मैं नेहा को देख रहा हूँ पी को देख रहा पट्टा पाटकर पाटकर पट्टा Today God is coming to your house and healing your family today in Jesus name आपके आकर आपके परिवार को चंगा कर रहा है यीशु के नाम में Jesus Christ is alive नेहा यीशु मसीह जीवित है Listen नेहा I'll give you what I taught is true Read the word. Get into the word. Your full Pat family is turning yes. Patkaran Prabhu kade yata hai. Yes. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are Sneha. Jesus. Yes. I see something happened in the month of March or something this year. I do not know what it is, how March is related to you right now. I do not know something. But God says right now, I see divine books being opened for you. The knowledge of God is disseminated in your family right now in Jesus' name. Pastor, in the month of March, she says her father was diagnosed with kidney failure. But God is saying right now, the Lord will heal the wounds in your family. Today, Sneha, Amen. The healing power of God is visiting your home today in Jesus' name. Amen. I just took your name randomly. I just want to speak it right now in Jesus' name. God is bringing healing and healing. Healing the wounds today, Sneha, in Jesus' name. Somebody open your mouth. Neha, Neha, Neha. She is P and you are M, PM. What is M? Mahachi. Here we go. Hallelujah. PM. I see you holding a banner. Hallelujah. The Lord says He will be your banner. Amen. Thank you, Lord. Listen, listen, listen. You will be involved in some kind of worshiping. Hallelujah. Because God has called you for worship. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is the dream that God you have been carrying in your heart for many years. Yes. Thank you, Lord. I see two dates. I don't know if it's August or if it's September. I don't know what it is. But I see these two dates right now. And the Holy Spirit is saying right now, an iron door which was closed for 7 to 8 years is opening right now in the name of Jesus right now in the mighty name of Jesus Sister name is Carol Barreto she comes from Santa Cruz West the sister says that she attended the service at FBM inka kehna hai ki FBM ki sabha mein aayi thi on 25th of May 2019 with a friend she got married in the year 2017 mein inki shaadi hui And was facing a lots of problem due to which और बहुत सारे ऐसे समस्याएं थे उनके जीवन में जागृत होने के कारण she was under depression ये तनाव के अंदर थी during service pastor you called her name और सभा के दौरान पास्टर माइकल ने इनका नाम पुकारा and you spoke about her situations and depression God is touching your house परमेश्वर आपके घर को छू रहा है the Lord is removing a darkness a dark spirit of oppression and depression over your house right now in the name of Jesus परमेश्वर I'm seeing it in the spirit दबाव है इस समय निकाल रहा है for God's sake do I know you no pastor Did you ever tell me your condition? No. Did you write on a piece of paper? No. Email? No. Gmail, whatever? No. And I called on your name exactly. And did you come? Did you come? Twice I called out. Yeah. You did not come. I did not get up because of the fear of camera. Because of the fear. So what happened then? Then, but she's here. She did not come because of the stage fear. But she's here to testify that her depression has left her. Depression has left you. चला गया है What about your marriage? Her marriage is too restored. Hey! जो
चाहती है वो पुनर्प्राप्त इन्होंने कर लिया है. Somebody bless the Lord. She has received a job. इन्होंने ऐसी नौकरी भी हासिल की है. And she started counseling people. और अभी लोगों को सलाह देने लगी है. And when you are healed, strengthen your brethren. Hallelujah. और जब तुम चंगाई को पालो तो अपने भाइयों को स्थिर करो. This is not the face of one who's depressed. Jesus, and somebody give Jesus a shout and say hallelujah. Oh, Yeshu, kustutiyo ki bhej dekar kahe hallelujah.